देखिए, घटना होते ही तुरंत दिनेश जी का फोन आया, जो इनके रिश्तेदार हैं, और पता चलते ही तुरंत सीआई साहब को फ़ोन किया और पुलिस मौके पे आई और उनको 5 आदमियों को वहाँ से गिरफ्तार किया। एक जेसीबी, एक ट्रेलर है, एक बंक हाउस है, क्रेन है, इन सब सामान को डिटेक्ट करके थाने ले गए। और इस तरीके की घटना होना बहुत ही शर्मनाक है, और पुलिस का खौफ जो लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर होना चाहिए था, वो खौफ कहीं नज़र नहीं आया। सरेआम रोज़ ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही है, और पुलिस से मैंने उच्च अधिकारियों से बात की, एसपी साहब से भी अभी बात की, और सीआई साहब से भी पहले बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि पूरी टीमें लगी हुई हैं उनको पहचान करने में, और कुछ लोगों की पहचान कर ली है, और 2-3 लोगों के खिलाफ तो SSB खोली है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ऐसी इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि दोबारा ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति करने की किसी में हिम्मत नहीं हो। और ये भूमाफियों द्वारा प्लॉट के ऊपर कब्जा करने की नीयत से ये वारदात को अंजाम दिया है, बहुत ही शर्मनाक है। बाड़मेर जैसे अपने शांत एरिया के अंदर इस तरीके की घटनाएं होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और हम सब का कैसी इनकी तबीयत क्या थी, क्या अभी मिल के आए हैं कि 2 बच्चों के सिर के अंदर चोट लगी हुई है, काफ़ी गंभीर है लेकिन खतरे से बाहर है। और महिलाओं के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की, मारपीट की गई, ये भी बहुत ही निंदनीय है। उनको कहीं शर्म भी नहीं आई, अगर 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में भी बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, और इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, और इसी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह मेरी प्रशासन से बात रही।